हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंड क्लासेस। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर 7 पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे आज? लॉ ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस कर लिया था? कौन सा लॉ? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता था? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता था? आर बराबर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ क्या है? यदि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, वो किसी भी एंगल पे हैं, जैसे मान लिया थीटा एंगल पे हैं, दो फोर्सेस कौन से हैं? पी और क्यू। तो इन दो फोर्सेस का हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या लगाते थे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाते थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? लॉ ऑफ ट्रायंगल है। लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का दोनों का फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो सेम होगा। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल हम लोग देख लेते हैं। लॉ ऑफ ट्रायंगल, दिस मेथड इज़ यूज टू फाइंड रिजल्टेंट बिटवीन टू कॉन्करेंट फोर्सेज। इस मेथड से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। क्या रिजल्टेंट? वो भी किन फोर्सेज के बीच में? दो कॉन्करेंट फोर्सेज के बीच में। कॉन्करेंट फोर्सेज क्या होते हैं? जो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। क्या ये फोर्सेज एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेज कहते हैं। अब ये मेथड है क्या? इफ टू कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स आर एक्टिंग एट अ पॉइंट इज रिप्लेस्ड बाई टू सक्सेसिव साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट इज द क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये क्या कह रहे हैं? यदि हमारे पास एक बॉडी है, दिस वन इज हमारी बॉडी है, इस पे दो फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स है पीयू और दूसरा फोर्स कौन सा है? क्यू है। यदि इन फोर्सेस को हम लोग लिखें, क्या है? टू कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्सेस हैं ये दोनों। कोप्लेनर मीन्स सेम प्लेन में है, एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, मान लिया ओ पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। इज रिप्लेस्ड बाय टू सक्सेसिव साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग को पता है ट्रायंगल कैसे बनता है, ऐसा कुछ बनता है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की सक्सेसिव साइड्स क्या हुई? जैसे ये हम लोगों ने पहला, ये हमारी क्या हुई? एक साइड हुई, और इसकी ये दूसरी साइड, ये क्या हुई? सक्सेसिव साइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये वाली साइड, मतलब कि लाइन से ही चले, लाइन से ट्रायंगल, ऐसे लाइन खींचेंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे करेंगे ना, तो लाइन से ही चले, तो वो क्या कहलाती है? सक्सेसिव साइड्स कहलाती है। यदि इन दोनों फोर्सेस को हम लोग सक्सेसिव साइड्स ऑफ ट्रायंगल में क्या करें? रिप्रेजेंट करें। जैसे हमारे पास दो फोर्सेस थे पी, तो हम लोग इन दोनों फोर्सेस को क्या करें? दो सक्सेसिव साइड्स ऑफ ट्रायंगल के से रिप्रेजेंट करें। ये हमारा एरो है, देखो ये जो हमारा फोर्स होता है, जिस साइड एरो बना होता है, इसे क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। और ये क्या होता है? हमारा टेल होता है। तो जब हमें यहाँ पे दूसरा इसी का ये क्यूब, हमने पी तो ड्रॉ कर दिया, अब क्यू हमें ड्रॉ करना है, तो क्यू इसका, क्यू का जो टेल होगा वो इसके हेड से जाएगा, पी के हेड से जाएगा क्यू का टेल। ठीक है, और तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? क्लोजिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या यही साइड क्लोज करेगी इस ट्रायंगल को? लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा? देन देयर रिजल्टेंट इज द क्लोजिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या होगा? क्लोजिंग साइड होगा, लेकिन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा था? हेड से टेल ज्वाइन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो रिजल्टेंट होगा टेल से टेल ही ज्वाइन हुआ, यही क्या कहलाता है? अपोजिट ऑर्डर कहलाता है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। ठीक है, यही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। अब सर हम इससे कैसे फाइंड करेंगे रिजल्टेंट? देखिए, आपके पास दो फोर्सेस थे, पी फोर्स था और क्या था? क्यू फोर्स था, और ये इसका क्या था? रिजल्टेंट था, क्लोजिंग साइड। तो हमने मान लिया कि ये जो रिजल्ट क्यू है, ये पी से कितना डिग्री एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमने क्या किया? पी को आगे बढ़ा दिया, और यहाँ जो क्यू का हेड है वहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस पे।
तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है इस पे। तो यदि हम लोग देखें तो ये हमारा क्यू है, कोई भी फोर्स ये हमारा क्या है, क्यू है। जब कोई भी फोर्स क्या इंक्लाइंड होता है तो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं दो पार्ट में, क्या आएगा, नहीं जिससे एंगल बना रहा है उस साइड क्या आएगा, क्यू कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर साइड क्या आएगा, यहीं से क्यू साइन थीटा। अब इस फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं कि ये क्या होता है, इन दोनों के इक्वल ही होगा, तो ये क्या होगा, क्यू साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग को पता है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए बी सी, ए बी सी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये कौन सी थ्योरम होती है, क्या आप लोगों को पता है, चलिए बताते हैं। यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो जिस साइड एंगल बन रहा है इसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और जिससे एंगल बन रहा है ये क्या, बेस से एंगल बन रहा है, तो इसे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, यही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, ये थीटा है तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, आप ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं लिखा, ठीक है हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, आर है, आर क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, आर का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस यहाँ पे क्या है, ए सी, बेस क्या होगा हमारा, ए सी होगा। अब ए सी हम लोग जानते हैं किसके इक्वल है, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। अगर हम लोग ए सी देखें, ए सी तो क्या है इसके, मान लो ये हमारा है डी, ए डी प्लस डी सी है, और ए डी हमारा क्या है, पी है, ये पूरा हमारा वेक्टर कौन सा था, पी था, और प्लस डी सी, डी सी हमारा क्या है, क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा अपना आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ये हमारा क्या है, पी हमारा ए हो गया, और क्यू कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, टू ए बी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए तो आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो साइन क्यू साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे क्यू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या क्यू कॉमन ले सकते हैं, क्यू कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पी था, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, वन होता है, तो आर बराबर आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो आर यहां से क्या आ जाएगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब याद रखिएगा कि दोनों से रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है, सेम आता है, क्या आता है, सेम आता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल,
हो चाहे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो, ठीक है, दोनों से क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेम आता है। अब आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल ही बना होगा, ये पी है, ये हमारा क्यू है, और दिस वन इज आर, ये क्या है हमारा आर है, इनके बीच का एंगल दिया होगा अल्फा, ये हमारा होगा बीटा, ये हमारा क्या होगा गामा होगा। तो याद रखिएगा इसमें क्या लगता है, साइन रूल लगता है। ये आर, आर जो है इसके सामने कौन सा एंगल है, बीटा, तो आर अपॉन साइन बीटा इक्वल टू होगा क्यू, क्यू के सामने कौन सा एंगल है, ये तो इसी के साथ बन रहा है अल्फा है, क्यू अपॉन साइन अल्फा, और पी, पी के सामने कौन सा एंगल है, पी के सामने अल्फा और बीटा, तो पी के साथ बन रहा है गामा है, साइन गामा, ये तीनों क्या होते हैं इक्वल होंगे, ठीक है, ये भी कहलाता है लॉ ऑफ ट्रायंगल ही कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को जब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दी रहती है तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वरना हम लोग जनरली यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को यदि इसकी डायरेक्शन पता करनी हो कि डायरेक्शन क्या होगी, जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट की, अब रिजल्टेंट एक फोर्स है तो उसकी डायरेक्शन होगी, हमने मान लिया वो क्या है अल्फा डिग्री पे इंक्लाइन है, कितने डिग्री पे, अल्फा डिग्री पे इंक्लाइन है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं डायरेक्शन निकालने का। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग कौन क्या लगाते हैं, टैन, टैन टैन अल्फा, क्या लगाएंगे, टैन का हमेशा यूज करेंगे, टैन अल्फा, टैन अल्फा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद रखिएगा। ये क्या होता है हमारा साइन, दिस वन इज साइन, ये हमारा क्या होता है साइन होता है, ये हमारा कॉस होता है, दिस वन इज टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे अल्फा, ये हमारा अल्फा है, अल्फा का परपेंडिकुलर क्या है क्यू, यही तो है परपेंडिकुलर, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा, और बेस क्या है एसी, एसी पूरा बेस है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्यू साइन थीटा अपॉन एडी प्लस डीसी, या क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को डायरेक्शन निकालनी होगी, डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, टेन अल्फा बराबर क्या होता है क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, याद रखिएगा कि यहाँ पे टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ऊपर साइन आएगा, वो भी किसके साथ, क्यू के साथ, जिसके साथ, जैसे ये हमारा है क्यू के साथ, ठीक है, अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन हैविंग एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब यहाँ पे क्या दिया दे रखा है, टू फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या दिया है 50 न्यूटन, दोनों फोर्सेस का क्या है 5 न्यूटन, क्या है 5 न्यूटन, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है 5 न्यूटन है, सेम है, और इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो क्या हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट क्या होता है आर बराबर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 960 डिग्री, पी आपका ये होता है और क्यू आपका क्या होता है, उससे जो एंगल बनाता है वो क्यू होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर मीन्स 5 pi square प्लस क्यू स्क्वायर मीन्स 5 pi square प्लस 2 PQ कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, अगर यहाँ से देखें हम लोग कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट ऑफ, ये दोनों सम हो जाएंगे 50 और प्लस 25, मीन्स क्या आ जाएगा रूट 75,
तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 3 45 होता है, 5 3 15, तो मीन्स 3√5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3√5 रिजल्टेंट क्या आएगा, 3√5। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी मेक्स एन एंगल थीटा, देन द रिजल्टेंट विल बी। दो इक्वल फोर्सेस हैं, सिमिलरली उसी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी तरह है। दो इक्वल फोर्स थे, वहाँ पे 5 न्यूटन दिया गया था, यहाँ पे पी है, और उनके बीच का एंगल क्या दिया गया था, 60 डिग्री, यहाँ पे क्या है, थीटा दिया गया है। तो हम लोग को रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, आर बराबर क्या होता है, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या दिया, पी ही दिया गया, पी स्क्वायर प्लस 2P² कॉस थीटा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2P² प्लस 2P² cos थीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2P² इसमें भी है, 2P² इसमें भी है, तो कॉमन ले सकते हैं, 2P² कॉमन हो गया, तो 1 प्लस cos थीटा। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos² थीटा / 2 माइनस का 1 होता है, एक मिनट, ये cos थीटा का होता है। हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा - 1। अब यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह पे हमारा क्या दिया है, थीटा दिया रखा है, तो इसको 2 थीटा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे कर दें और 2 से यहाँ पे कर दें, तो ये cos 2 थीटा हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2 cos² थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या, θ/2 - 1, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2P² 1 प्लस 2 cos² θ/2 - 1। अब माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर बराबर रूट ऑफ 2P² प्लस, प्लस तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इनटू 2 cos² θ/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आर बराबर 2P² 4P² cos θ/2। अब ये जो ब्रैकेट रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 2P, यहाँ पे cos स्क्वायर है, 2P cos θ/2। तो रिजल्टेंट का आपका फॉर्मूला क्या आएगा, 2P cos θ/2। अब आप लोगों को कहीं भी दे रखा हो दो सेम फोर्सेस हो लेकिन उनके बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2P cos θ/2। जैसे हमारे पास ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, इसको हम लोग वन लाइन में कर सकते थे, यहाँ पे दो फोर्सेस थे सेम मैग्नीट्यूड के थे, उनके बीच का एंगल क्या था, 60 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं 2P, 2PP कितना है हमारा, 5 cos θ/2। यहाँ पे क्या आएगा, 2, 5 2 जा 10, और यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री / 2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 cos 30 डिग्री, और आर बराबर 10 cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो आर बराबर कितना हो, 5√3। तो वो सिंपली आंसर आ गया आपका, अगर आप लोगों को फॉर्मूले लर्न हो तो ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्मूला ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो, वन लाइनर हो जाए, 2P cos θ/2। यदि दो फोर्सेज हैं सेम मैग्नीट्यूड के, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो आर बराबर क्या होगा, 2P cos θ/2। लेकिन यदि यहाँ पे क्या हमें डायरेक्शन निकालनी होती, रिजल्टेंट आएगा किसी डायरेक्शन में, मान लीजिए ये रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट जो है अल्फा एंगल में इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन किससे निकालते हैं, tan अल्फा q sin थीटा, क्यू तो हमारा ये था, तो q sin थीटा अपॉन
प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग हमारा क्यू क्या है, पी के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे पी रख रहे हैं। ठीक है, तो टेन अल्फा बराबर हो जाएगा पी साइन थीटा अपॉन, यहाँ से अगर हम लोग पी कॉमन कर लें तो वन प्लस कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा से पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो टेन अल्फा बराबर होता है, अब हम लोग जानते हैं साइन टू थीटा, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, सिमिलरली यहाँ पे लगा देंगे टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का वन, तो माइनस का वन ये वन कैंसिल हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू आएगा, टू से टू कैंसिल हो गया। ठीक है, टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे टेन अल्फा बराबर कितना आ गया, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू है, यहाँ पे कॉस थीटा बाई टू, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू आएगा, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बाई टू। अगर हम लोग देखें, मैं इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या था, टेन अल्फा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा बाई टू, तो टेन से टेन क्या हो जाता है कैंसिल, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बाई टू। मीन्स अब आपको दो फोर्सेस दिए हैं सेम मैग्नीट्यूड के और उनके बीच का कोई भी एंगल है, तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो एंगल बना रहे हैं अपने बीच में उसका हाफ होगा, क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, फोर्स को कैसे रिजोल्व करते हैं। आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा प्रीवियस लेक्चर में कि यदि हमारे पास दो फोर्सेस हैं पी और क्यू, यदि वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो जिसके साथ एंगल बनाएगा उस साइड क्या आ जाएगा, क्यू कॉस थीटा आएगा, वो वाला फोर्स रखेंगे क्यू कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, क्यू साइन थीटा। यदि आप लोग ने ये नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में जा करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी फोर्सेस क्या थे, F1, F2, F6, F5, F4, F3, ठीक है, ये फोर्सेस हैं, हमने मान लिया ये हमारा कितने थीटा वन पे इंक्लाइंड है, ये तो हमारा 90 डिग्री पे है, दूसरा जो फोर्स है ये हमारा किससे इंक्लाइंड है, थीटा, ये मान लीजिए थीटा वन पे इंक्लाइंड है, और यहाँ पे जो फोर्स है ये किससे बना रहा है, थीटा टू पे F3 से, और ये जो हमारा फोर्स है ये F4, ये हमारा थीटा थ्री पे इंक्लाइंड है, क्योंकि ये सारे तो हमारे परपेंडिकुलर हैं, तो इनको तो हमें करना नहीं है, हमें किसको करना, रिजॉल्व करना रहता है, जो हमारे इंक्लाइंड फोर्सेज हैं उनको रिजॉल्व करना रहता है। कभी भी जो 90 डिग्री पे होगा या तो कोई हॉरिजेंटल डायरेक्शन में या 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि एक चीज़ कैंसिल हो जाएगी, जैसे आपके पास दिया है, चलिए इसको करते हैं, जैसे आपका F2 क्या है, थीटा 1 डिग्री पे इंक्लाइंड है, थीटा 1 एंगल पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में, F2 cos थीटा 1, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, F2 sin थीटा 1, ना, जिससे थीटा बनाता है उस साइड क्या आता है cos, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin। अब देखो F4 क्या हो रहा है, F3 से थीटा बना रहा है, तो इस साइड क्या आएगा, F4 cos थीटा 2, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, यही तो है, तो F4 साइन थीटा 2। अब यहाँ पे देखिए F7 जो है F6 से थीटा बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, F7 कॉस थीटा 3, और इस डायरेक्शन में F7 साइन थीटा 3। ठीक है, आप लोगों को पहले ऐसे रिजॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास फोर्सेस यहाँ पे क्या बचेंगे,
कुछ ऐसा बचेगा। अब ये तो हमारे फोर्स रिजॉल्व हो गए, रिजॉल्व हो गए मीन्स इनका कोई काम नहीं रह गया, और हमने इनको रिजॉल्व कर लिया, तो हमारा इस डायरेक्शन में आया F1, और क्या आया F2 cos θ1, और क्या है F7 sin θ3। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है F3 है, F2 sin θ1 और F4 cos θ2। ठीक है, अब इस साइड देखें हम लोग इसको अब तो रिजॉल्व कर लिए, ठीक है, तो इसका कोई यूज़ नहीं रह गया है, इसको तो हमने रिजॉल्व कर लिया, जिसको रिजॉल्व कर लेते हैं उसका कोई यूज़ नहीं रहता है। F5, और इस डायरेक्शन में क्या था F4 साइन θ2। यहाँ पे देखें तो F6, और हमारा क्या था F7 cos θ3। अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इस साइड जो बनाते हैं वो साइड क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 2 3 4 लिखते हैं, यहाँ पे क्या -1 -2 -3 लिखते हैं, ये हमारा ओरिजिन होता था। तो इस साइड क्या होता है निगेटिव, जो भी इस लाइन के राइट साइड होगी उसे क्या करेंगे पॉजिटिव एज अ ट्रीट करेंगे, और जो ऊपर होगी वो क्या होगी पॉजिटिव, और जो चीज़ नीचे होगी वो चीज़ निगेटिव ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या करना है, हमें इसको एक सेम डायरेक्शन में करना है। सेम डायरेक्शन में कैसे करेंगे, जैसे आपका फोर्स है F1 इस डायरेक्शन में है और F2 क्या है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें F2 को इसी डायरेक्शन में करने के लिए क्या करेंगे -F2 कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस का साइन लगा देंगे और F2 कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा यदि समीशन एफ एक्स निकाले, एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उनका सम निकाले, पहले देखते हैं इसे क्या कहते हैं समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स मीन्स एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं वो उनको सम करेंगे। पहले एक्स डायरेक्शन में क्या है आपका F1 है प्लस F7 साइन θ3 है प्लस F2 cos θ1 है। अब ये क्या है इसके निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको निगेटिव साइन लिख के इसी डायरेक्शन में कर लेंगे F4 साइन θ2 माइनस F5। ठीक है, ये एफ एक्स हो गया, इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे FY निकाल लेंगे। FY हमारा क्या अपवर्ड के डायरेक्शन में आएगा, F3 प्लस F2 साइन θ1 प्लस F4 cos θ2 माइनस F7 cos θ3 और माइनस F6। इस तरह आप लोगों को क्या आप लोगों ने ये सारे फोर्सेस को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया, दो परपेंडिकुलर, एक एक्स ये हमारा क्या हो गया FX, और ये हमारा क्या हो गया FY हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया FX और ये हमारा क्या हो गया FY हो गया। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा यदि दो फोर्सेस, ये एज अ टू फोर्सेस ही तो हो गए, दो फोर्सेस यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, P मान लिया और Q, दो फोर्सेस यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है R बराबर रूट ऑफ P² प्लस Q², ये आप लोगों ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे पैरेललोग्राम में पढ़ा है। ठीक है, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहां से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा R बराबर समीशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई का स्क्वायर। अब ये आखिर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का क्या यूज़ पड़ गया कि हमारे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी था, लॉ ऑफ ट्रायंगल भी था, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का क्या यूज़ पड़ गया। देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोग दो ही फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते थे, वो किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो। सिमिलरली ये हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल में भी कर सकते थे, लेकिन यदि हमारे पास एक से ज़्यादा फोर्स हो मीन्स ये बॉडी है इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो अब हम इनका कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे। इसीलिए इसी के लिए क्या आया रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मेथड आया। अब हम लोग क्या होगा रिजल्टेंट होगा तो रिजल्टेंट की कुछ डायरेक्शन भी तो होगी, मान लिया अल्फा है डायरेक्शन,
तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैन लेते हैं, टैन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, समीशन एफ वाई अपॉन समीशन एफ एक्स। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें ऐसे आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इसके, तो ये क्या होगा समीशन एफ वाई, और हम लोग जानते हैं टैन क्या होता है, टैन परपेंडिकुलर अपॉन पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, समीशन एफ वाई, और बेस क्या है, समीशन एफ एक्स। तो ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है रिजल्टेंट का, चलिए फाइंड करते हैं। अब हमारे पास अब ये यूनिट्स यूनिट्स दे रखा है, तो मीन्स ये भी कुछ भी हो सकता है, ये आपका कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट तो कोई भी दी नहीं रखी है, ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। आप लोगों को केवल क्या है, दो चीज़ें दी गई हैं जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो आर बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 25 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 60 का स्क्वायर, आर बराबर क्या पढ़ा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 625, और 60 का 3600। अगर आप लोग को इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा रिजल्टेंट, 65 आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर, 65। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन भी तो निकालनी है, मींस टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होता है, जो वर्टिकल में फोर्स है, सबिशन एफ वाई वर्टिकल में फोर्स क्या है, 60 अपॉन हॉरिजेंटल में फोर्स, फोर्स या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 12/5, टेन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 12/5, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 12/5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम की क्या रिक्वायरमेंट हुई, अब लामीज थ्योरम क्या कहता है कि यदि आपके पास थ्री फोर्सेस हैं, कितने फोर्सेस हैं, थ्री फोर्सेस हैं, ओनली फॉर थ्री फोर्सेस, केवल थ्री फोर्सेस होंगे तभी लामीज थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल फॉर कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स सिस्टम, लेकिन एक कंडीशन भी है, वो फोर्सेस क्या हो, कॉन्कुरेंट हो, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हो, और साथ में कोप्लेनर हो, कोप्लेनर मीन सेम प्लेन में हो। तो लामीज थ्योरम कितने फोर्सेस के लिए अप्लाई है, तीन फोर्सेस के लिए, यदि उनमें से सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, कोप्लेनर और कॉन्कुरेंट होने चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, यदि किसी कोई भी थ्री फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पे रख लीजिए कोई बॉडी है, इसको आप खींच रहे हैं, इसको कोई दूसरा खींच रहा है, इसको मान लीजिए पी खींच रहा है, इसको क्यू खींच रहा है, और इसको आर खींच रहा है, आर का मीन्स यहाँ पे चलिए आर की जगह पे पी एस कर लेते हैं, ठीक है, इसको एस खींच रहा है। ठीक है, तो इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, यदि ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, देन ईच फोर्स, तो हर एक फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, क्या होगा, अब हम लोग कुछ एंगल एज्यूम कर लेते हैं, पहले ये मान लीजिए अल्फा डिग्री पे एंगल इससे बना रहा है, ये इससे बीटा बना रहा है, और ये क्या बना रहा है, गामा बना रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच फोर्स, हर एक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, हमने मान लिया क्यू फोर्स, ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, अदर टू क्या हो गए, पी और क्यू, पी और क्यू के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, गामा, तो साइन गामा के प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है, हमने मान लिया के आता है, तो साइन गामा हो गया। इसी सिमिलरली क्या होगा, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, टू फोर्सेस के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, तो एस बराबर क्या आ जाएगा, के साइन अल्फा,
सिमिलरली यदि हम लोग यहाँ पे करें पी, पी इज प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन बीटा तो पी इक्वल टू के साइन बीटा। अब यदि यहां से हम के की वैल्यू देखें तो पी अपॉन साइन बीटा होगी इक्वल टू के होगी, यहां पे देखें तो के इक्वल टू क्या होगी के अपॉन साइन गामा होगी, और यहां पे देखें ऐसे के इक्वल टू क्या होगा एस अपॉन साइन अल्फा होगा। तो यहां पे के क्या है सेम है, के कांस्टेंट होगा, तो ये क्या होता है सभी में सेम है ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा इन सभी फोर्स को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, पी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन क्यू अपॉन साइन गामा इक्वल टू एस अपॉन साइन अल्फा। यही क्या होता है लामीज थ्योरम होता है, यही क्या कहलाता है लामीज थ्योरम कहलाता है। अब लामीज थ्योरम की नीड क्या पड़ी, लामीज थ्योरम की नीड ये है कि यदि आपके पास कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्सेस हैं थ्री और हमें दो फोर्सेस नोन है, हमें फोर्सेस नोन है कोई भी दो और एंगल पता है उनके बीच का, तो हम लोग थर्ड फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करते हैं ठीक है। क्या करना है जो फोर्स दिया है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, यही तो होगा गामा, पी पी के सामने वाला एंगल अल्फा, बी पी के सामने वाला एंगल क्या होगा बीटा, और एस के सामने वाला एंगल अल्फा ठीक है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। अब फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ पॉलीगॉन क्या कहता है, सिमिलरली ये क्या है ग्राफिकल मेथड है, क्या है ग्राफिकल मेथड है। ये क्या कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, यदि कोई भी बहुत सारे फोर्सेस किसी पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, जैसे ये फोर्सेस है एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सक्सेसिव साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड पॉलीगॉन, उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है सक्सेसिव साइड्स ऑफ क्लोज पॉलीगॉन के द्वारा, देन द फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है यदि किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, जैसे मान लिया एफ वन एक्ट हो रहा है, एफ टू एक्ट हो रहा है, एफ थ्री एक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज पॉलीगॉन का मीन्स क्या हुआ आपके पास पेंटागॉन बन जाए, ट्रायंगल बन जाए ठीक है, ट्रायंगल बन जाए या पेंटागॉन बन जाए, लेकिन क्लोज फिगर बने, क्या बने क्लोज फिगर बने, हेक्सागॉन बन जाए, ये सब क्या है पॉलीगॉन्स ही तो है लेकिन क्या हो क्लोज फिगर बने, तो वो क्या कहलाएगा कि वो पूरा फोर्सेस जो जिस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं वो बॉडी क्या है हमारी इक्विलिब्रियम में है। जैसे यहाँ पे फोर्स पी एक्ट हो रहा था, तो याद रखिएगा ये पी का क्या है हेड है और ये क्या है हमारा टेल है, तो पी के हेड से सक्सेसिव एकदम लाइन से लेंगे, जैसे पी लिया फिर क्यू लेंगे, ये नहीं कि पी लिया फिर आर ले लिया फिर टी ले लिया, ऐसे नहीं लाइन से लेना, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद क्या करना है टी लेना है, या तो इसका अपोजिट डायरेक्शन भी ले सकते हैं ठीक है। और हमेशा हेड से क्या जुड़ेगा टेल ही जुड़ेगा, हेड से टेल, जैसे पी की डायरेक्शन ये थी, फिर क्यू की डायरेक्शन मान लीजिए अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ से ये अल्फा ही बनाना चाहिए हॉरिजेंटल से, फिर अल्फा डिग्री पे क्यू बना देंगे ठीक है, और टेल से ज्वाइन करेंगे, टेल को हेड से ज्वाइन करेंगे ठीक है। तो अगर क्लोज फिगर बनता है तो वो क्या कहलाएगा कि हमारे फोर्सेस जो बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं वो क्या है बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, यदि क्लोज फिगर नहीं बन रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है ठीक है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।